तो कैसे आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं रेडमी नोट 13 5G। ये एक नया फ़ोन जो लॉन्च होने वाला है 10 जनवरी को, और ये अमेजोन में लॉन्च होने वाला है। इसका स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है 16,999, यानी कि 17,000 रुपीज़। ये 4 कलर्स में यह फ़ोन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके कुछ फीचर्स के साथ। तो ये 5G फ़ोन होने वाला है। सुपर थिन बेजल्स आपको मिल जाएंगे और 120 हर्ट्ज़ का इसका रिफ्रेश रेट है। चलिए कुछ और भी फीचर्स देख लेते हैं। तो सुपर इमर्सिव एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सुपर स्लिम डिज़ाइन मिल जाएगा, और 108 मेगापिक्सल्स का 3x इन सेंसर जूम के साथ ये फ़ोन आपको मिलने वाला है। 33 वाट्स का यहाँ पे आपको चार्जिंग सपोर्ट करेगा। साथ ही में इसमें आपको मिल जाता है 5000 mAh का बैटरी। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इसमें आपको मिलता है, और IP54 स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंट, यानी कि ये वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं है, पर जो थोड़े बहुत छींटे लगते हैं या फिर डस्ट, इससे बहुत ही अच्छा ये प्रोटेक्शन आपको दे देता है। और भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो इसका जो बेजल है ये काफ़ी पतला है, और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93.3% है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्या होता है कि स्क्रीन कितना है, बॉडी कितना है, तो ये काफ़ी अच्छा आपको रेशियो मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी कैसा होने वाला है। बहुत ही अच्छा इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। डिस्प्ले के साइज की बात करें तो वह है 6.67 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले। ये एक 5G फोन होने वाला है, तो DCI-P3 इसमें आपको स्क्रीन सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब जो कलर सपोर्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे आप लोग 5 के बाद 0 काउंट कर सकते हैं, कितने सारे 0 हैं, तो इतना इस टू वन इसमें आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। 2160 हर्ट्स इसमें आपको टच टेम्परिंग रेट मिल जाएगा, और 1000 निट्स का इसमें आपको ब्राइटनेस मिलता है। स्क्रीन आपको यहाँ पे 2 रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, 90 हर्ट्स और 120 हर्ट्स। तो ये शिफ्ट करता रहेगा जिसे आप में जितना सपोर्ट करते हो, पर स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। देख लेते हैं ऑडियो में आपको क्या मिल जाएगा। तो ऑडियो में आपको डॉल्बी एटमोस मिलता है, तो डॉल्बी एटमोस से ऑडियो थोड़ा ज़्यादा एनहांस हो जाता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी देख लेते हैं इसका जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चिन होने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ 6 7.6 मिलीमीटर्स वाला है। इसमें आपको ये सुपर स्लिम बॉडी मिलने वाला है, तो काफ़ी थिन एंड लाइट फोन ये होने वाला है। इसका वेट सिर्फ और सिर्फ 173.5 ग्राम्स इसका वेट है, तो वेट काफ़ी कम है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, तो इससे क्या होता है कि फ़ोन अगर गिरेगा तो टूटने का चांसेस कम होता है। IP54 मैंने आपको कह दिया कि स्प्लैश एंड डस्ट रेजिस्टेंट ये होने वाला है। 108 मेगापिक्सल्स का इसमें आपको कैमरा मिल जाएगा, तो ये एक चीज़ है जिसमें हमें फोकस करना है, क्योंकि इसमें आपको 3x इन सेंसर जूम मिल जाएगा, और इसका जो फ्रंट कैमरा है ये होने वाला है 16 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा। ये कलर आप लोग देख सकते हैं, गोल्ड कलर है, काफ़ी मतलब शानदार दिख रहा है। अल्ट्रा वाइड इसमें आप लोग फोटो खींच सकते हैं, देख सकते हैं कैसा डिटेल्स है। साथ ही में इसमें आपको 5G जो परफॉर्मेंस मिलता है, जो चिप इसमें आपको मिलने वाला है, वो होने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर। ये एक 6 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है, जिसमें आपको 5G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। 20 GB तक का आप लोग रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो जो डायनेमिक रैम होता है उससे, और 256 GB इसमें आपको स्टोरेज मिल जाएगा। बैटरी की तरफ देख लेते हैं, तो 33 वाट्स में आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, साथ ही में 5000 mAh का बैटरी भी मिल जाता है, जो कि रेडमी कहता है कि पूरा दिन जाएगा, बाकी आपके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है क्या नहीं है। 3.5 mm का इसमें आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा, तो ये हेडफोन जैक काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं काम का चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे फोन हेडफोन जैक को हटा रहे हैं, पर रेडमी फिर भी दे रहा है। आई और ब्लास्टर भी मिल जाएगा। रैम इसमें आपको 12 GB तक का मिलेगा, और 256 GB का इसमें आपको स्टोरेज मिल जाएगा। और इसमें आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि 8 GB का वर्चुअल रैम है, तो वर्चुअल रैम आप लोग अपने सेटिंग्स में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। और रेडमी काफ़ी इंडिया में काफ़ी जगह में सपोर्ट लग कर रहा है, मतलब इनके प्लस मतलब 650 सिटीज़ ये कवर करते हैं, 2000 तक के इसके सर्विस सेंटर हैं, और 19,000 पिन कोड्स को भी ये लोग सर्व कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ये मेक इन इंडिया है, यानी कि पार्ट्स चाइना से आएंगे और बनेंगे इंडिया में। अभी देख लेते हैं इस फ़ोन को आप लोग कितने प्राइस में खरीद पाएंगे, तो प्राइस कितना यह होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल स्पेसिफिक आंसर के बात कर लेते हैं। तो फ़ोन 3 कलर्स में आएंगे, स्टेल्थ ब्लैक यानी ये कलर, प्रिज्म गोल्ड यानी जो मुझे अच्छा लगता है वो कलर, और आर्टिक वाइट। तो ये जो वाइट कलर है और जो गोल्ड कलर, इसके पीछे थोड़ा सा आपको एक टेक्सचर मिल जाएगा, ब्लैक का तो मुझे पता नहीं। चिपसेट देख लेते हैं, 6 नैनोमीटर्स के ऊपर बेस्ड मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर। 2 आपको कोर्टेक्स A76 मिल जाएंगे 2.4 GHz पे, और 6 ARM कोर्टेक्स A55 2 GHz पे।
माली का G57 MC2, इसमें आपको GPU मिल जाएगा। रैम यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको एक 6 GB वर्जन वाला भी रैम मिलेगा, एक 8 GB वर्जन वाला भी रैम मिलेगा, और इसको आप लोग चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और एक 12 GB वाला भी मिलेगा। सभी रैम्स LPDDR4X सपोर्ट करते हैं, तो LPDDR4X LPDDR4 से थोड़ा सा एनहांस वर्जन है, और जो आपको स्टोरेज मिलेगा वो UFS 2.2 है, मतलब ये भी काफ़ी फास्ट हम कह सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड स्लॉट इसमें आपको मिल जाएगा। सिम की बात करते हैं तो 5G का ये सभी जो बैंड्स है ये इन बैंड्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें से N78 अच्छा है, और बाकी सभी बैंड्स भी मतलब आप 5G यूज़ कर पाएंगे। बहुत सारे बैंड्स हैं, देख लेते हैं कितना कितना आपको मिल जाएगा। N1, N3, N5, N8, N28, N40, N78, तो करीब करीब 7 5G बैंड्स का सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। हाइब्रिड सिम स्लॉट भी इसमें आपको मिल जाता है, जो अगेन बहुत ही अच्छा चीज़ है। ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो सुपर थिन ये स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। मैक्स रिफ्रेश रेट 120Hz का है। फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलेगा। 1000 nits का ब्राइटनेस। इसमें भी आपको TUV लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन मिलेगा। आपको TUV अगर नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, जो मैंने BenQ के मॉनिटर के ऊपर बनाया था, मैं लिंक दे दूंगा आपको आई बटन पे। डिज़ाइन देख लेते हैं तो काफ़ी लाइट वेट इसका डिज़ाइन है, 173.5 grams का, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी मिल जाता है, और बैटरी और चार्जिंग 33 watts का फास्ट चार्जर। साथ ही में इसमें आपको OTG का सपोर्ट भी मिल जाता है, और 5000mAh का इसमें आपको लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलता है। 108 megapixels का मेन कैमरा है, जो कि पीछे का साइड में जो कैमरा होता है। 8 megapixels का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको मिलेगा, और 2 megapixels का मैक्रो कैमरा। तो ये बेकार है, इसका कोई काम नहीं होता है, और LED फ्लैश भी मिल जाएगा। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080p इसमें आपको सपोर्ट करता है 30fps पर, और 720p 30fps पर, तो 60fps इसमें आपको वीडियोग्राफी नहीं होता है, तो ये बहुत दुख की बात है। बाकी फोटोग्राफी फीचर्स देखें तो 108 megapixels का इसमें आपको ये कैमरा मिलेगा, 3x सेंसर जूम, बहुत सारे फिल्टर्स, अल्ट्रा वाइड, नाइट मोड, और AI पोर्ट्रेट मोड का भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। मैक्रो, प्रो मोड, डॉक्यूमेंट स्कैनर, HDR, गूगल बिल्टिन, लेंस बिल्टिन, वॉइस शटर, ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे। वीडियो के फीचर्स की बात करें तो अल्ट्रा वाइड वीडियो, मैक्रो वीडियो, टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन, ये सभी कुछ आप लोग फिल्म कर सकते हैं। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो 16 megapixels का होने वाला है, और इसमें आपको मिल जाता है 30fps तक रिकॉर्डिंग, दोनों ही केस में 1080p हो गया या फिर 720p हो गया। और साथ ही में यहाँ पे भी आपको कुछ AI के फीचर्स मिल जाएंगे, फिल्टर्स और पैनोरामा मिल जाएगा, टाइम बर्स्ट, HDR, पम्प शटर। पम्प शटर जैसे हम लोग ऐसे हाथ दिखा के करते हैं, बस वहाँ पर वैसा कुछ फोटो आएगा, आप हाथ दिखाएंगे तो सेंसर की तरह काम करेगा और वो फोटो क्लिक कर लेगा। वॉइस शटर मिल जाएगा, टाइम लैप्स और शॉर्ट वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। 12 माइक्रोफोन्स का सपोर्ट मिलता है, जिसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगा। नेविगेशन इसमें आपको GPS, AGPS और GLONASS का भी सपोर्ट भी मिलता है। सेंसर, ये कुछ सेंसर आपको दिख रहा है, IR ब्लास्टर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ई कंपास, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो सेंसर सभी सेंसर्स दिए गए हैं, और ये एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस्ड होगा, MIUI 14 के ऊपर बेस्ड। और पैकेट में आपको क्या कुछ मिलेगा, इसमें आपको एक फ़ोन मिलेगा, एक चार्जिंग अडाप्टर मिलेगा, USB टाइप सी केबल मिल जाएगा, सिम इजेक्ट करने का टूल, वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड, और प्रोटेक्टिव केस जो व्हाइट कलर का सिलिकॉन केस होता है वो आपको मिल जाएगा। ये सब तो इसके कुछ फीचर्स हो गए, अभी देखते हैं कि इसका सेल कब शुरू होगा और आप कब आपको ये खरीदना है। तो 10 जनवरी से अमेजोन में ये फ़ोन बिकना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग प्राइस इन्होंने रखा है 17,000 rupees इंक्लूडिंग बैंक ऑफर्स, यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तभी आपको ये फ़ोन इतने प्राइस में मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और जब फ़ोन लॉन्च होगा तब शायद मैं और एक वीडियो बना दूं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फ़ोन का लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, जो कि मैंने एक बहुत ही अच्छा गेमिंग मॉनिटर के ऊपर बनाया, और जो जिसमें आपको कलर्स काफ़ी ब्राइट दिखेंगे, तो वो मॉनिटर आप लोग चेक कर सकते हैं BenQ के मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।